अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सही कहा जाए तो भाजपा की हालत क्या करे या ना करे जैसी होती जा रही है। उधर मजबूत विपक्ष मोदी अमित शाह की बखिया उधरते हुए देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने हकीकत में कहा जाए तो संसद में अब तक की बेहतरीन तकरीर कहा जाए तो गलत ना होगा। हिंदुत्व अयोध्या से लेकर नीट इम्तिहान के गफले, यहां तक के भाजपा मोदी आरएसएस को तक मुकम्मल हिंदू समाज न होने की बात कही तो भाजपा अब एहतजाज के रास्ते को इख्तियार करती नजर आ रही है। आप संसद की तस्वीर देखेंगे तो किस तरह बेचैन वजीर आजम मोदी, चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कभी बैठ रहे थे तो कभी उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों की बेचैनी इंतहा पर है। खैर, बेलगाम शहर में भी भाजपा वालों ने एहतजाज का सिलसिला ही जारी किया हुआ। खैर, इनके लिए ये मामला काफी मुश्किल है क्योंकि अब तक हिंदू मुस्लिम के एहतजाज ही करने में इन्हें महारत हासिल हुई थी। भाजपा के लीडरों के ना समझी कहा जाए या इन्हें इसका इल्म नहीं है मालूम नहीं, लेकिन महंगाई पर भाजपा का एहतजाज एक मजाक ही कह सकते हैं। सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में खासकर जिसे मोदी युग कहा जाता रहा, महंगाई बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ मियार हासिल किया हुआ है। 5 स्कीमों के जरिए आवाम को कांग्रेस हुकूमत ने वोट देने पर मजबूर जरूर कर दिया है। यकीनन इंसान की बुनियादी अगर जरूरतें पूरी करने वाले कोई भी पार्टी हो उसको लोग वोट देते ही है। यकीनन 2000 रुपए हो, 5 किलो चावल मुफ्त और निगर 5 किलो के रुपये अकाउंट में जमा, शक्ति योजना के तहत तमाम खवातीनों को सरकारी बसों में मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त। खैर, कुछ कमी पेशी जरूर हुई है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पूरी तरह से दूध के धुले हुए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ही क्यों ना हो, लेकिन योजनाओं को आवाम ने समझ लिया और कांग्रेस को वोट दिया। भाजपा की मुश्किलें ये है कि अब तक इन्होंने कभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा और न ही उसे जीता है। अचानक धर्म की राजनीति से मुद्दों की राजनीति की तरफ आना मुश्किल जरूर हो जाता है। कर्नाटक में पहले भाजपा की हुकूमत थी, वो भी किस तरह हासिल की थी सभी जानते हैं। खैर, भाजपा की हुकूमत को गिराकर यानी कि लोगों को जिस तरह से उन्होंने अपने 5 स्कीमों को कन्विंस किया उसे देखते हुए कांग्रेस ने हुकूमत हासिल की। अलग बात है कि कांग्रेस में भी गलतियां हुई है, आपसे इख्तलाफात तो काबिले तवज्जो मसला है ही। इन तमाम के बावजूद भाजपा से कांग्रेस ठीक, ऐसा आवाम ने सोचा और कांग्रेस को वोट किया। जैसा हमने पहले भी कहा है कि भाजपा धर्म, राम मंदिर, अयोध्या, हिजाब, हलाल, जटका, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान करते हुए चुनाव जीत रही थी, पर अब आवाम ने इनकी चालाकी को भी समझ लिया और इन्हें हुकूमत से या इख्तदार से बेदखल कर दिया। यहां तक अयोध्या में भी भाजपा को समाजवादी पार्टी के हाथों शिकस्त खाना पड़ा, लिहाजा अब मुद्दों की राजनीति करना भाजपा की मजबूरी बनती जा रही है। उधर कांग्रेस सदर राहुल गांधी संसद में धुलाई तो मजबूती से कर रहे हैं और छक्के चौके भी लगा रहे हैं। यहां तक अब मोदी शाह के हिंदुत्व पर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है। बात कर्नाटक की या यूं कहिए कि बेलगाम ही की करते हैं। अब जब बात हिंदुत्व और हिंदू धर्म की हो और भाजपा जोश में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 1984 में भाजपा को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी, वही 2019 में 303 सीटें यानी मुकम्मल अक्सरियत हासिल हुई। तो सिर्फ धर्म, नफरत, मंदिर मस्जिद, मुसलमानों की सियासत पर ही तो यह हासिल हुआ था। और उधर गुजरात के वजीर आला से मुल्क के वजीर आजम तक का सफर भी इसी हिंदू मुस्लिम के रास्ते से तय हुआ है। अगर सीधे हिंदुत्व पर ही 2 सीटों से 303 तक का सफर तय किया था, जाहिर है इनकी दुखती रग पर राहुल गांधी ने पैर ही रख दिया तो तिल मिलाकर राहुल गांधी का पुतला फूंकने की आज बेलगाम में भी एहतजाज के जरिए कोशिश की गई। हिंदू विरोधी राहुल गांधी कहते हुए फिर से उसी नहज पर सियासत करने की कमजोर कोशिश ही कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूले पहले इस्तेमाल हो चुके हैं तो लोगों को अब ये कुछ नया नजर नहीं आ रहा। भाजपा अब इसी को लेकर चली हुई, लेकिन अब आवाम ने राहुल गांधी की बात मानना शुरू किया हुआ। पहले तो उसे पप्पू भी कह के मजाक उड़ाया करते थे। बात समझ में आए ना आए, कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज करने की मानो भक्तों ने ठान ही ली है। पर बेलगाम में जिस तरह दूध पर यानी 500 मिलीलीटर की जगह पर 550 मिलीलीटर किया गया, इसकी वजह से एहतजाज किया गया। इत्तला के मुताबिक मरकजी हुकूमत की दूध को लेकर पॉलिसी ही गलत है, क्योंकि बैरूनी ममालिक यानी कि फॉरेन से सस्ते दामों में दूध की पाउडर को भारत लाया जाता है। अगर पाउडर का दूध ज्यादा फरोख्त होने लगा तो भारत के किसान जिनका बहुत सारा गुजारा दूध पर है इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लिहाजा किसानों की ज्यादा खपत के लिए KMF यानी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने किसानों की खपत ज्यादा हो इसलिए नई स्कीम बनाई जिसमें 500 ml दूध रहता है उसमें 50 ml दूध ज्यादा किया गया। उसकी कीमत 2.76 रुपए होते हैं, लेकिन 2 रुपया कीमत ली जा रही है। अब भाजपा को एहतजाज तो करना है और एहतजाज की इन्हें जल्दबाजी है। इन्हें पता ही नहीं कि दूध की पैकेट अब 550 ml की हुई है।
लिहाजा कम इलमी का शिकार भाजपाई हो रहे ऐसी चर्चा जारी है। अब तक विचारों को हिंदू मुस्लिम पर ही एहतजाज करना मालूम था, अचानक मुद्दों पर एहतजाज या सियासत करने का तजर्बा न होने की वजह से दूध को लेकर एहतजाज में फजीयत होती दिखाई दे रही है। इसी तरह आज राहुल गांधी के पुतले को फूंकने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने पुतले को कब्जे में ले लिया। अब हिंदू विरोधी राहुल गांधी का नैरेटिव चलाने की कोशिश जारी है, पर यह फॉर्मूला भी वैसे काफी पुराना है। कांग्रेस को मुसलमानों की हिमायत करने वाली पार्टी, 20% बनाम 80% वाला मामला भी कहा गया, तो कभी पाकिस्तान समर्थक कहा गया। वजीर आजम मोदी ने तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों के सामने मुजरा करने तक अल्फाज इस्तेमाल किए। मंगलसूत्र भी हिंदुओं का छीन कर मुसलमानों को देने की तक बात कही गई थी और सभी जानते हैं। इतना जरूर है कि भाजपा बौखला गई है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह भाजपा की गिरती साख को संभाला जाए। हिंदू मुस्लिम में माहिर भाजपा के लिए मुद्दों की राजनीति महंगी पड़ रही। भाजपा ने पिछले 10 साल में क्या क्या दिया, इस पर एक अलग वीडियो जरूर बन सकते हैं। महंगाई पर सीना पीटने वाली भाजपाइयों को भी मालूम है, लेकिन किसी तरह इज्जत बचाने की तक नौबत आई हुई है। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमती तारीख के मियार पर भाजपा में पिछले 50 सालों में बेरोजगारी का मियार भी भाजपा के दौर में, गैस दूध अनाज भाजपा के दौर में, पेट्रोल डीजल महंगा भाजपा के दौर में, सब्जी कहीं देख लो, टमाटर 2014 में 15 रुपए किलो थे, 2024 में 40 रुपए, आलू 2014 में 25 रुपए, 2024 में 45 रुपए। खवातीन इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्योंकि अक्सर बाजार वही करती है। सरसों का तेल 2014 में 115 रुपए, तो वही 2024 में जाकर 156 रुपए। खैर पूरी फहरिस्त है जिसे बताने से काफी वक्त लग जाएगा। विपक्ष के लीडर राहुल गांधी ने जिस तरह मोदी शाह को घेरा है, आने वाले दिनों में भाजपा को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आवाम अब जाग चुकी है और वह अब सवाल करने लगी है। तानाशाह का ख्वाब शायद अधूरा रह सकता है, क्योंकि हिंदुत्व की सियासत पर आवाम ने वोट न देने का फैसला शायद किया हुआ है। यकीनन कर्नाटक में लोकसभा चुनाव ठीक न हुआ हो, पर कर्नाटक की सियासत मुल्क की सियासत पर जरूर असर डालती है। तभी तो कर्नाटक की गारंटियों को भाजपा ने अख्तियार तो कर लिया था, लेकिन आवाम ने इन्हें अक्सरियत के आंकड़े से दूर रखा। तभी तो भाजपा की जगह एनडीए की हुकूमत बनी है। कई बैसाखियों के सारे ये हुकूमत फिलहाल चल रही है, और वो भी कितना दूर चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। भाजपा ने इससे पहले जो जो रास्ते अख्तियार किए थे वो सभी कांग्रेस कर सकती है, मतलब ईडी सीबीआई या सरकारी एजेंसियों का, जिनका गलत इस्तेमाल कर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के कई लीडरों को जेल भेजा गया। केजरीवाल तो अब भी जेल में बंद है, शिबू सोरेन अभी जेल से आए हुए हैं। कहने का मतलब मुद्दों की राजनीति भाजपा कर नहीं पाएगी, इतना जरूर है। आज का मुझे कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। कुछ अहम खबरों पर एक नजर। आज कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात हुए, पर बिना मुखालिफ के कमेटियों को नामजद किया गया। कांग्रेस भाजपा में भी स्टैंडिंग कमेटियों को लेकर समझौता देखने को मिला। बिना मुखालिफ यानी कि बिन विरोध कहते हुए नामों को जाहिर किया गया। अकाउंट कमेटी, टैक्स एंड फाइनेंस, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ एंड सोशल जस्टिस के लिए नामों का ऐलान किया गया। भाजपा के 3 और विपक्ष से 2 इस तरह कमेटियों को तश्कील किया गया। प्रस्तुत स्थायी समिति श्री मिरस्कर ब्रह्मानंद नंदू अर्जुन, श्री नितिन नामदेव यादव, श्री श्रीमती भागवत नेत्रावती विनोद, श्रीमती पूजा इंद्रजीत पाटिल, श्री हनुमंत आकुंगाली, आईकी रामुल्ला हागू जरीना फतेह खान इवर नियमानुसार अविरोधवागि आय्केयिद्दारे अंत गोष्ठी। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು 7 ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸವದತ್ತಿ, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಠಲ್ ಉಪರಿ, ಸಂತೋಷ್ ಪೆಡ್ನೇಕರ್, ರವಿರಾಜ್ ಸಮರೇಕರ್, ಜವರ್ಕರ್ ಅಭಿಜಿತ್, ಬಸವರಾಜ್ ಮಾರುತಿ ಬೋದ್ಗೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಮಂಡೋಳ್ಕರ್, ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು 7 ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ 7 ಜನ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಶಂಕರ್, ಶ್ರೀ ಮಂಗೇಶ್ ಪವಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ದೀಪಕ್ ಸಾಧಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮಕರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಬಸವರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಪರ್ವೇಜ್ ಭೈರಕ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕೀಲಾ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಪ್ಪಗಿ ದೀಪಾಲಿ ಸಂತೋಷ್, ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಜು ಭಾತ್ಕಾಂಡೆ, ಶ್ರೀಮತಿ
ಮಾದಿನಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭೋಜ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚುಕ್ಕಲ್ದಿನಿ ರೂಪ ಅಸ್ಮಿತ ಭೈರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೋಕರು ಇವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು परसों इतवार के रोज बुशी डैम में एक फैमिली के पांच अफराद बहन की खबर को आपने देखा था, लिहाजा एक और वारदात दूध गंगा नदी में निपानी के दो नौजवान बह गए जिसमें दोनों की मौत हो गई। गणेश कदम और प्रतीक पाटिल ऐसा मरने वालों के नाम है, दोनों निपानी शहर के बताए जा रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।